हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण और आप सभी का फोर आपकी सक्सेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके डिमांड के अनुसार करंट अफेयर्स का वीडियो जो कि मई माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं लेकर आया हूं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 2018 का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा भारत, तीसरा नेपाल, चौथा श्रीलंका। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है नेपाल। तो दोस्तों सबसे पहले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। जो इसकी स्थापना हुई थी यह 6 जून 1997 को किया गया था। इसके सदस्य देश की बात करें तो बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, नेपाल और श्रीलंका है, जिसमें कुल 7 सदस्य देश शामिल हैं। इसकी उद्देश्य की बात करें तो बंगाल के खाड़ी के किनारे एशियाई देश तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच तकनीक तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने यूपीएससी तथा बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पास करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 1,00,000 रुपये देने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड बिहार, थर्ड झारखंड और फोर्थ राजस्थान। जो इसका सही आंसर है ये है बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन घोषित किया गया? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है इंदौर। अगर सेकेंड नंबर की बात करें तो भोपाल का स्थान है, जो कि इंदौर और भोपाल दोनों मध्य प्रदेश का शहर है। अगर थर्ड शहर की बात करें जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण में तीसरा स्थान रहा है वो है चंडीगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जून 2018 से किस देश ने GST खत्म करने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकेंड मलेशिया, थर्ड श्रीलंका और फोर्थ चीन। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत में GST लागू हुआ है। तो दोस्तों ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको जो इसका सही आंसर है वो है मलेशिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 27वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सरस्वती सम्मान के बारे में जानते हैं। सरस्वती सम्मान होता क्या है? तो दोस्तों जो यह सरस्वती सम्मान है यह बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और यह उन्हीं भाषाओं में दिया जाता है जो कि 8वें अनुसूची में जो भाषाएं शामिल है जिसकी संख्या 22 है। तो दोस्तों इसमें दिया क्या जाता है? तो सबसे पहले इसमें जो दिया जाता है ये इसमें शॉल तथा प्रस्ती पत्र, साथ में 5,00,000 रुपया भी दिया जाता है। और अगर पहला सरस्वती सम्मान की बात करें तो सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को यह दिया गया था, जिन्होंने आत्मकथा लिखा था। और अगर इसकी शुरुआत की बात करें कि सबसे पहले यह कब शुरू किया गया था, तो यह 1991 से शुरू किया गया था। और अब आंसर की तरफ आते हैं, तो जो 27वें सरस्वती सम्मान है यह सितांशु यश चंद्र ऑप्शन नंबर सी को दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट को किसने खरीदा है? तो दोस्तों यह तो फेमस क्वेश्चन है। जो इसका सही आंसर है वो है वॉलमार्ट, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया है? फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड ईरान, थर्ड पाकिस्तान और फोर्थ सीरिया। तो जो इसका सही आंसर है वो है ईरान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश में पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन कौन बना है? फर्स्ट ऑप्शन गुवाहाटी, सेकंड दिसपुर, थर्ड दिल्ली, फोर्थ कोलकाता। तो दोस्तों जो पहला देश का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन बना है वो है गुवाहाटी, जो कि असम में है। और अगर दिसपुर की बात करें तो यह भी असम में ही है। तो दोस्तों सबसे पहले असम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी की बात करें तो दिसपुर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है। इसकी स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1960 ईस्वी को असम का स्थापना हुआ था। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सर्वानंद सोनोवाल। राज्यपाल अभी वर्तमान में जगदीश मुखी हैं। अगर इसके लोकेशन की बात करें यानी असम के आसपास कौन कौन से राज्य हैं, तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लगभग बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें पूर्वी भारत के कुछ राज्यों के बारे में पूछ दिया जाता है। तो चलते हैं
चलते हैं, देखते हैं कि असम के अगल बगल में या फिर असम के आसपास में कौन से राज्य हैं। अगर उत्तर में बात करें, असम के उत्तर में तो अरुणाचल प्रदेश है, पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर है, दक्षिण में मिजोरम तथा मेघालय है, तथा पश्चिम में बांग्लादेश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस शहर में डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता, सेकंड रांची, थर्ड मुंबई और फोर्थ दिल्ली। इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर, ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी दिल्ली। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और यह है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में एम्स खोलने की स्वीकृति दी है? फर्स्ट ऑप्शन है देवघर, सेकंड रांची, थर्ड लखनऊ और फोर्थ इंदौर। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका सही आंसर जानते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है देवघर। देवघर है कहाँ पे? तो देवघर की अगर लोकेशन की बात करें तो ये झारखंड का एक इम्पॉर्टेंट शहर है। और अगर इसको और अंदर से जानने का कोशिश करते हैं, देवघर में एक स्थान है देवीपुर, जहाँ पे यह एम्स की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा लाइक ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।